सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस को और प्रेस कीजिए बेल आइकन इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। इस बार हम वीडियो में आपको बताएंगे कि ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो या वीडियो पर्यवेक्षक यानी कि ग्राम विकास अधिकारी तथा पंचायत अधिकारी के जो वैकेंसी आई थी 2000 उसमें आपको एग्ज़ाम हो चुके हैं 22-23 दिसंबर को। तो आज हम बात करेंगे कि उसकी सैलरी आपकी कितनी होगी। आज हम इसी की बात करेंगे कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी, जिन लोगों के अच्छे मार्क्स हैं, जो लोग कट ऑफ में आएंगे, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है तथा उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। जिनके रिजल्ट आएंगे वो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। तो इसके लिए अब देखिए कि वेतनमान कितने मिलेंगे। जिन लोगों के नंबर अच्छे हैं उनका सिलेक्शन होना तय है। तो वेतनमान की आज हम बात करेंगे, सब कुछ मिला के, ग्रेड पे मिला के, सारी चीज़ें मिला के आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए वेतनमान जो है सैलरी है 5200 से 20200, ये आपका वेतनमान है। और जो आपको बात करते हैं ग्रेड पे की तो 2000, और ग्रेड पे आपका 3 है, और यानी कि ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। तो देखिए ग्रेड पे 2000 है, ये मायने रखता है बहुत चीज़, और सैलरी आपकी मायने रखती है। तो देखिए बेसिक सैलरी आपकी कितनी बनेगी, आपकी 20200 बेसिक सैलरी आपकी बनेगी। और सबसे बड़ी बात 20200 आपकी बेसिक सैलरी बनने के बाद, आपका 20200 बेसिक सैलरी में सरकार द्वारा जो भी वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो सब अगर जोड़े जाएंगे तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी, और पूरी कटौती के बाद डिडक्शन के बाद आपकी सैलरी कितनी बनेगी, आज हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी। तो देखिए हम बात कर रहे थे आपकी वेतनमान कितने हैं। वेतनमान आपके बेसिक वेतनमान जो है आपका 20200 है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 20200 रुपये मिलेगी। इसके अलावा आपके साथ तमाम भत्ते अलाउंस जुड़ेंगे तथा सालाना आपको बोनस जुड़ेंगे। तो आपको देखिए पर ईयर एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और आपका पर मंथली क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपका तो उसकी हम बात करें। तो देखिए इसमें आपका प्लस क्या होगा, सबसे पहले इसमें आपका प्लस आपका होगा डीए क्या होता है, डीएनएस अलाउंस होता है। डीएनएस अलाउंस आपका जो बनता है वो महंगाई भत्ता होता है, जो कि ये आपका सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है 7वें वेतन आयोग में 4% ये मिनिमम होगा। अब देखिए एवरेज ये 4% निर्धारित किया गया है। अब जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगी उसी हिसाब से सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। तो ये बढ़ के ये निश्चित नहीं होता, ये आपका बेसिक जैसे 20200 आपकी सैलरी है तो इसी पे आपका ये जुड़ेगा 4%। जैसे महंगाई भत्ता बढ़कर 5% हो गया, 6% हो गया, 10%, 20% हो गया, तो ये टोटल आपका इसी 20200 में आपका बढ़ेगा। तो ये आपका बेसिक सैलरी में 4% जोड़ लेंगे, मान लीजिए कि 20000 में इसको 4% आप जोड़ेंगे तो आपका ये 808 रुपये ये टोटल आपका 20200 में महंगाई भत्ता बनेगा। ये बेसिक है, ये आप देखते होंगे पेपर में निकलता है कि सरकार ने राजकर्मियों को खुशखबरी का तोहफा, सरकार ने बढ़ाया 2% महंगाई भत्ता। तो ये इसी प्रकार है, जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से ये बढ़ेगा। इसके अलावा देखिए जॉब बड़ी अच्छी है, जॉब का लेवल जो है बहुत अच्छा है। देखिए तो इसमें आपको इसके अलावा देखिए इनका काम क्या होता है, इनके काफ़ी खर्चे होते हैं तो वो अलग से चीज़ें इनके मिलती हैं। उसके बाद इनको ट्रेवलेंस अलाउंस भी मिलता है, ट्रेवलेंस अलाउंस ये इनका निर्धारित होता है 1000 के करीब, इनको 1000 ट्रेवलेंस अलाउंस। नाश्ता के लिए अलग से मिलता है इनका, तो वो अलग हो जाता है, फूड अलाउंस हो जाता है, वो भी करीब आप मान लीजिए कि 1000 के करीब मिलता है। तो ये इनका हो गया। इसके अलावा इनको इन कर्मियों को अलग से कुछ खर्चे मिलते हैं, लेकिन ये मेन है। तो ये टोटल आपका ये बैठेगा, ये आप करीब पहले जो शुरुआत आपकी सैलरी होगी करीब 24 से 25 हज़ार आपकी बैठेगी, 24 हज़ार से 25 हज़ार आप, यानी कि आपकी जो सैलरी आपकी स्टार्टिंग में पाएंगे पहले महीने से वो 24-25 हज़ार के करीब पाएंगे। इसके अलावा कुछ आपकी कटौती होती है, जैसे कि आपका पीएफ फंड में कटौती होती है, वो करीब 8-10% तक होती है, तो वो आप जोड़ लेंगे तो 2400, तो करीब ये सब काटने के बाद आपको 22 हज़ार के करीब, 22 से 23 के बीच में आपको सैलरी मिलनी है।
इसके अलावा आपको जो सालाना की हम बात करते हैं तो आपको ईयरली जैसे क्या मिलता है, ईयरली आपको क्या बोनस मिलता है, तो बोनस सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, आपको 1 महीने की सैलरी मान लीजिए मिलती है, तो लगभग 25,000 आपको सालाना बोनस मान लीजिए इतना मिलता है। इसके अलावा आपको साल में मिलते हैं जो अगर आपके टू चिल्ड्रेंस हैं तो उनकी फीस के मिलते हैं दो चिल्ड्रेन तक, तो वो 1,000 तक आपको वो मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, तो ये जो सालाना है ये आपके बोनस हो जाएंगे, और जो एजुकेशन अलाउंस हो जाएगा वो अलग से हो जाएगा। तो इसके अलावा जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो वीडियो की जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वो लगभग कि इनके इनका जो विलेज होता है उन जिस अंडर में आते हैं उनके द्वारा ही लगभग विलेज के डेवलपमेंट जो कार्य होते हैं इनके द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, इनके द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, और जो भी कार्य होते हैं इनके द्वारा पास किए जाते हैं, तो ये सारे काम हैं इनके, और बहुत अच्छी प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, और बहुत आराम की प्रोफाइल है। बहुत लोग बात करते हैं ऊपरी इनकम की, तो इसमें ये भी काफ़ी चीज़ें हैं, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, तो ये भी काफ़ी है। इसीलिए देखिए अभी जो चल रहा है बहुत लोग कह रहे हैं 10 लाख लग रहा है, बहुत लोग 15 लाख कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं 20 लाख लग रहा है, तो लोग देने को इसीलिए तैयार हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है। आप जहाँ पे आपके गांव के पास में आपकी नियुक्ति मिल जानी है, आपकी तहसील के अंदर जो भी 20-25 किलोमीटर के अंदर आपको इसमें नियुक्ति मिल जानी है, तो इसलिए बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल मानी जाती है वीडियो की। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी